एसडीएम का आदेश नहीं मान रही है महिला अधिशासी अधिकारी, व्यापारी और दुकानदारों में काफी रोष। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी का मामला है जहां पर एसडीएम का आदेश अधिशासी अधिकारी नहीं मान रही है। बाराबंकी जिले के टिकैत नगर नगर पंचायत में 30 साल से कार्यरत महिला अधिशासी अधिकारी की मनमानी खुलेआम सामने आई है। यहां कस्बे में अधिशासी अधिकारी द्वारा चहेतों के लाभ पहुंचाने के चलते मनमाने ढंग से नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य को लेकर नगर पंचायत के व्यापारियों और दुकानदारों में रोष व्याप्त है। इसके चलते व्यापारियों ने मनमाने ढंग से करवाए जा रहे निर्माण को लेकर एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम ने नाली निर्माण का कार्य रोकने का आदेश अधिशासी अधिकारी को दे दिया। एसडीएम द्वारा कार्य रोकने के आदेश के बाद भी अधिशासी अधिकारी द्वारा नाली निर्माण कार्य जारी रहा, जिसको लेकर दुकानदारों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पूरा मामला बाराबंकी जिले के टिकैत नगर पंचायत का है, जहां पर यहां पर अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह द्वारा नगर पंचायत में पुराने नाली तोड़कर नई नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। कीर्ति सिंह द्वारा जहां पर पुराने नाली को निर्माण था, वहीं उस जगह को छोड़कर चहेतों के लाभ पहुंचाने के चलते कहीं जगह छोड़ी जा रही है तो कहीं किसी का चपूतरा तोड़कर नाली निर्माण करवाया जा रहा है। मैं जी, आपका क्या नाम है? कोई आदेश करे वहाँ टाउनगा हमसे का मतलब नहीं, तो आप मुझे खुदा रहे भैया, आपत्ति हो टाउन का? नहीं, टाउन तो आपत्ति दे, तुम क्या आदेश तो खुदा रहे टाउन के आधार से। अच्छा, अधिशासी अधिकारी आपको आदेश किया बनवाने का? टाउन से हमका आदेश मिला कि का सीधी करा बनवा पुरानी नाली, पुरानी छोड़ के नई के लिए आदेश हुआ है ना, पुरानी नाली छोड़ के नई नाली के लिए आदेश। अधिशासी अधिकारी ने आदेश किया टाउन से बताया? अच्छा, टाउन से बताया गया। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? टिकैत नगर मेन मार्केट। क्या मामला है ये? मामला क्या है, जो नगर पंचायत द्वारा नाली बनवाई जा रही है, पुरानी नाली को तोड़ के जो है फिर से निर्माण हुआ है, और करीब हमारी जो मार्केट है यहाँ पर आए दिन आक्रमण की जो है नगर पंचायत द्वारा रसीद काटी जाती है, चालान किए जाते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये नाली का निर्माण हुआ, लेकिन आगे जो नाली बनाई जा रही है करीब 40 फुट में वो नाली है, और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है उन दुकानदारों को आगे, क्योंकि अब क्यों बढ़ाया जा रहा है ये आदिवासी अधिकारी खुद स्वयं जान रही है, जबकि हम लोगों को पीछे किया जा रहा है और उनको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। अगर पुरानी नाली पर निर्माण हुआ है नगर पंचायत द्वारा तो पुरानी नाली पर ही निर्माण होना चाहिए। इसकी शिकायत आपने अधिशासी अधिकारी से की? हाँ, हमने मैडम से कहा था, मैडम ने कहा कि वो मेरा अधिकार है, मेरे पावर में है, मैं जहाँ से चाहूँगी वहाँ से बनाऊँगी, ये उन्होंने कहा है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें।